तो एग्जिट पोल में बीजेपी की अच्छी स्थिति से पार्टी और नेताओं में काफी रौनक है। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल से खास बात की हमारे संवाददाता अमर सिंह ने। पांच राज्यों के चुनाव के कल परिणाम आने वाले हैं, लेकिन एग्जिट पोल जो कह रहा है, इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल जी। पाल साहब, कैसे देखते हैं जो एग्जिट पोल है, क्या अनुमान था इस तरह से आप लोगों को? बिल्कुल था। जिस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं निकल रही थी, उत्तराखंड में निकल रही थी, और जिस तरह से लोगों का एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो रहा था, जिस तरह से लोग सड़कों पे आ रहे थे, यहाँ तक कि वो जनपद जो जहाँ कभी हमको नई सफलता मिलती थी, पूर्वांचल के जैसे आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, इस तरह उन जनपदों में भी ये लगता था कि अब जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और एक खास बात है कि उत्तर प्रदेश में केवल भारतीय जनता पार्टी जो 403 सीटों पे चुनाव लड़ी है, और 403 पे जहाँ भी लड़ाई है, अगर सपा ये दावा कर रही कि हमारी लड़ाई है तो भाजपा से, बसपा के लोग अगर दावा कर रहे हैं तो हमारी लड़ाई भाजपा से, तो इससे साफ है कि जनता भाजपा को उसने ऊपर रखा है। तो आज स्पष्ट तौर से जो मुझे लगता है एग्जिट पोल में आ रही, शायद परिणाम इससे भी चौंकाने वाला होगा, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सीटें आएंगी। क्या इसी के परिणाम है कि जी अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम बुआ के साथ चले जाएंगे, बुआ हमारे साथ आ जाएं? देखिए, कहीं ना कहीं अगर चुनाव के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, और उसके पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा ये स्वीकार किया जाना कि हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास करेंगे, उसके लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीएसपी का भी समर्थन ले सकते हैं, तो ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका आत्मविश्वास डिगा है, और उन्हें एहसास है कि शायद पराजय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की हो चुकी है। ये थे पाल साहब, इनका साफ तौर से कहना है कि जो इनका भी जो उम्मीद है वो उम्मीद सरकार बनाने की है, अब लेकिन परिणाम जो आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आखिर जनता किसे पसंद करती है। दिल्ली से कैमरामैन निशा के साथ अमर सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।